सपा बसपा के बीच हुए गठबंधन ने अखिलेश यादव को एक साथ दो जन्मदिन मनाने का मौका दे दिया है। मंगलवार यानी 15 जनवरी को जहां अपनी पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन मनाएंगे, तो वहीं दिन में बुआ मायावती को बधाई देने के लिए भी उनके पास जाएंगे। समाजवादी परिवार में एक साथ दो जन्मदिन मनाए जाने की खुशियां पार्टी कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग में भी दिखाई दे रही है। कल उनका जब जन्मदिन मनाया जाएगा तो हम एक तस्वीर ये भी देखेंगे जिसमें अखिलेश यादव जी उनको जाकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। ये जैसा मैंने आप अपनी बातचीत की शुरू में कहा कि दलित शोषित वंचित समाज के लिए जन्मदिन को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जो एक तरीका रहा है, कल उसमें एक बहुत बड़ा विस्तार आपको दिखेगा जिसमें पिछड़ी राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाली समाजवादी पार्टी और दलित राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुजन समाज पार्टी के दो शीर्ष नेता एक साथ दिखेंगे जिसमें वो इनको जन्मदिन की बधाई दे रहे होंगे। तो आप सीधे सोचिए ना, जब ये गठबंधन हुआ तो एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा सपा का बसपा और बसपा का सपा को। वोटों का ट्रांसफर कोई अंकगणित नहीं है कि आपने इधर से किया उधर किया। ऐसे ही जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, जो राजनीतिक संदेश नेता ऊपर से देते हैं, उसके जरिए ही होती है। कल जब ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के गांव देहातों में फैलेगी जिसमें अखिलेश यादव उनको जन्मदिन का गुलदस्ता भेंट कर रहे होंगे, कल आप जब देखेंगे इस जन्मदिन को तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन है जिसके जरिए ये गठबंधन और गठबंधन के दोनों नेता अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे। और मुझे लगता है ये संदेश नीचे तक जाएगा इस जन्मदिन के जरिए कि इस एका को नीचे जमीनी स्तर तक पहुंचाना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार 15 जनवरी को एक साथ दो जन्मदिन की खुशियां मनाएंगे, एक अपनी सांसद डिंपल यादव का और दूसरा बसपा सुप्रीमो मायावती का। मायावती के जन्मदिन को मनाने के लिए अखिलेश यादव भी उनके पास जाएंगे, उन्हें बधाई देंगे। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।